हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इम्निटी टैरऑर्स इट्स व ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट राइट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है मतलब ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मेरगल एन अबेंडस डेफिनेटली वट आर डेफिनेटली द थिंग्स विच आर कमिंग फॉर यू सो ऑफकोर्स ये तो हम देखेंगे लेकिन हम ये भी देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं और आने वाले समय में क्या रखा है सो so ऑफकोर्स ये रीडिंग जो है एक जनरल प्रडिक्शन है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी पहले तो है हम देख लेते हैं कि आपके करेंट सिचुएशन किस प्रकार है ताकि आपको भी पता चले ना कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट होगा सो लेट्स सी लेट्स फाइन यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफकोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन जो है किस प्रकार है व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है करेंट सिचुएशन किस प्रकार है व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज गाइड करें व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ओके

फिफ्टीन दैट इज सिक्स ठीक है आ, यहाँ पे है एक्वे राशि बनाई टॉरस टोरस वगो कैप्रिकॉन कुथुन और तुला राशि यहाँ पे है वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है ठीक है मकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैंसर पैश स्कॉर्पियो है और यहाँ पे है ए रिजन स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि सो so, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं देखो कुछ समय पहले ऐसा हुआ है कि आ, कुछ समय पहले ही हुआ होगा कि देर वॉज एन एंड और कलैप्स ऑफ समथिंग मतलब कुछ तो आपके लाइफ में बिगड़ गया होगा और आप उसको फिर से रीस्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हो और आप ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में काम कर ही रहे हो मे बी आपने सोचा था कि किसी के साथ पार्टनरशिप करें लेकिन शायद वो लोग या वो दोस्त लोग आपका साथ नहीं दिए या एंड पॉइंट पर मतलब जब एकदम नज़दीक आ गया कुछ डेट्स तब उन्होंने ऐसा कह दिया कि नहीं हम हाँ, आपके साथ नहीं कर सकते या कुछ ऐसा काम था जो बिगड़ गया बिल्कुल मतलब तो पूरी तरह से डैमेज हो गया यहाँ पे आपने फिर भी क्विट नहीं किया है दैट इज द ग्रेटनेस इन यू एंड यू डिसाइडेड टू स्टार्ट इट अगेन आप फिर से उसको स्टार्ट कर चुके हैं कुछ लोगों ऐसा हुआ है कि आप मे बी यू थॉट ऑफ ओके स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ राइटिंग अ बुक और यू स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री फिर आपने अच्छा खसाई किया था लेकिन पब्लिश नहीं हुआ या पब्लिशर जो है उनको पसंद नहीं आया कुछ तो ऐसा है कि अप्रूवल नहीं मिला होगा या आपने कुछ ऐसा शॉप स्टार्ट करने की सोची होगी जहाँ पर जैसे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट अनुसार जो लाइसेंस होता है शायद आपको मिला नहीं या मिलने में काफ़ी टाइम लग गया या जब मिला आपका कोई काम जो है वो पहले से ही प्रॉब्लम में चल रहा था कुछ उस तरह से हुआ डिसऑर्डर्स हुए हैं यहाँ पे और उसके वजह से आप अभी भी तकलीफ में तो है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहेगा मेरी भी फैमिली होंगे ठीक है मेरे भी साथ बहुत सारे लोग होंगे मेरे भी बच्चे होंगे एंड आई विल हैव अ स्टेबिलिटी इन लाइफ यू हैव अ ड्रीम आपका सपना यही है कुछ लोगों ऐसा है कि आपके परिवार भी है बच्चे हैं ठीक है सब कुछ है धन संपद सब कुछ है लेकिन ना जाने क्यों आपका ऐसा हो जाता है कि कोई आपका धन या संपद जो है वो ले लेंगे या आपको वहम होता है या सच ही में ऐसा आपको लगता है कि शत्रु बहुत ज्यादा है वो कभी भी अटैक कर सकते स्पेशली ऑन योर वेल्थ ऑन योर स्टेटस ऑन योर यू कैन से दैट जैसे बोला जाता है ना कि राज्य में कहीं ना कहीं पे आप अपने राज्य के तो राजा ही है ना उसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ दैट मे बी यू आर यू हैव इनहेरिटेड अ लॉट बहुत सारे चीज़ बहुत सारे सम्पद आपको ऐसे ही मिला ठीक है आपको बाई यू कैन से लाइक पुश्तैनी जायदाद आपको मिले तो बहुत सारे लोग आसपास जो है काफ़ी जेलस हैं और वो लोग क्या है ना उनका इतना नेगेटिव एनर्जीज जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना आप कंज्यूम कर लेते हो नेगेटिव एनर्जीज उसके वजह से रात में आपको नींद नहीं आता है या बेचैनी हो रही है इतना ज़्यादा अगर टेंशन है कुछ बात को लेकर या आपने लोन लिया है तो आपको उसको पेमेंट भी करना है तो आप कैसे करेंगे मे बी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ कुछ लोगों के लिए हैं इट्स नॉट फॉर एवरी वन बट यू आर थिंकिंग ऑफ रीपेमेंट और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो ऐसे ही ले लिया खर्चा कर दिया ज़्यादा तो कैसे चलेगा कौन मुझे हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे समस्या है करेंट सिचुएशन पर लेकिन आपको ये उम्मीद जरूर है सिचुएशन बोर भी है मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग एनी एक्साइटमेंट इन योर रिलेशनशिप कुछ ऐसा रोमांटिक नहीं रहा है ठीक है रोमांटिक है तो फिर सेंशुअल नहीं है उस तरह से रहा है ओके ना लेट मी सी दैट ऑल ऑफ अ सडन एंड यू आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑफ सम या कोई आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है जो आपको ऐसा नहीं लगता है इतना पॉजिटिव हो के क्या फ़ायदा वो तो इंसान मेरे पास नहीं आ रहे हैं ना उसी तरह से

स्टडीज करे काम करे है कल दो तीन महीना तक आप काम करना बंद कर देंगे ऐसा तो नहीं है कुछ लोगों के लिए वाई यू आर नॉट गेटिंग योर रिवार्ड्स कि आपने इतने भी बुरा कर्म किए हैं कि आपको आपका रूवर्स इतना कम आपको मिल रहा है सो यू फील दिस थिंग्स इन योर माइंड सो ऑल ऑफ अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेडली वट इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ बट ये ऑल ऑफ अ सडन होगा ठीक है कोई प्री प्लान नहीं है ऑल ऑफ अ सडन वट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ फॉर श्योर वी डू हैव ट्रेवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ देखो मैंने आपको ये कहा है कि आप अपना जो है ना पास सिचुएशंस को लेके काफ़ी बॉदर्ड हो और काफ़ी सेंसिटिव भी हो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी आपके मन में चल जाता है मूड ऑफ हो जाता है यहाँ पे क्या है ना एक्चुअली हमारा मूड ऑफ होना अच्छा मूड बन जाना ज़्यादा फास्ट चलना फिर स्लो हो जाना सब हमारे जो गुणस हैं राजसिक तामसिक और सात्विक यहाँ पे सात्विक गुण जो है वो काम काम करता है और राजसिक और तामसिक ज़्यादा काम करता है कभी कभी जो है आप बहुत ज्यादा अपने आप को लेथर्जिक फील कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है ना आपका यहाँ पे तामसिक गुण काम कर रहा है कोई अगर आप बहुत एक्टिव है आपको ऐसा लग रहा है तुरंत हो जाएगा सब कुछ काम ऐसे ही हो जाएगा फास्ट फास्ट हो जाएगा एंड यू स्टार्ट रनिंग एंड डूइंग दिस थिंग्स सो यू बिकम सो एक्टिव एंड डायनामिक सो वहाँ पे राजसिक गुण काम करता है तो यहाँ पे क्या है सात्विक गुण गुण काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्या है सिंप्लीफाई योर लाइफ ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट आप अपने पास्ट बैगेजेस जो कर्म है उससे काफ़ी रिलीव्ड आप हो चुके हैं बहुत लोग जो आपको तंग कर रहे थे इतना समय से मे बी दे वर लाइक लाइक नॉट अलाउविंग यू ओके टू डू ऑफ योर ओन जो आप चाहते थे वो आप कर ही नहीं पाते थे जो ऑर्गेनाइजेशन में शायद आप काम कर रहे थे या काम कर रहे हो वहाँ पे आपके मन मुताबिक तो नहीं चलते एटलीस्ट आपके पोजिशन अनुसार जो आपको पावर्स दिए गए थे वो भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते थे तो वो भी आप करना शुरू कर देंगे और बहुत सारे ऐसे कंपेनियंस या कोई एसोसिएट्स होंगे जिनका साथ आपको ऐसा लगता था कि ये तो मेरे घर घर जैसे ही है दोस्त लोग या कलीग्स सो so आप आपको समझ में आएगा दैट दोस पीपल आर नॉट राइट फॉर यू एनीवेर्स मेरे गाइड्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स उनके जिंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है ऑल ऑफ अस अनएक्सपेक्टेडली व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हाट इज गोइंग टू हैपन अंडर is going to happen what is going to happen definitely what is going to happen all of a sudden okay we do have the rejuvenating rain clear the past heal the present theek hai jaise maine aapko kaha all of a sudden ab aisa mehsoos karenge definitely aisa mehsoos karenge ki sab kuch jaisa aapke jo जैसे बोला जाता है संचित कर्म प्रारब्ध कर्म ये सब कुछ में सब हम लोग तो नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए हैं ठीक है अच्छे कर्म या बुरे कर्म अच्छा कर्म का हमें अच्छा ही फल मिल रहा है और बुरे कर्म का तो हमें मिलते ही रहता है ठीक है सो इफ यू हैव बिन सफरिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन दैट इज ड्यू टू योर पास्ट कर्म पर सिंस आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो फोकस हो सो ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील वेरी लाइट क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पास्ट में बहुत कुछ चीज़ थे जो बहुत ज़्यादा ही आपको एक्शसनेस बढ़ा रहा था आपका जो है आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो सब कुछ चीज़ धीरे 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 लाइट हो जाएगा रिजुमिनेटिंग रेन मीन्स इट्स लाइक दैट कि आपके ऊपर रेन ऑलवेज मीन्स शावरिंग ब्लेसिंग्स सो आपके ऊपर जो है आशीर्वाद जो है उसके आपके ऊपर जो है ना पूरी तरह से बरसेंगे यहाँ पे भगवान की तरफ से यूनिवर्स की तरफ से ब्रह्मांड की तरफ से पंचभूत की तरफ से आपको कहीं ना कहीं पे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा दैट यू आर विल बी डेफिनेटली एन्जॉय योर लाइफ वंस मोर जो आप भूल चुके थे अपने लाइफ में खुश रहने का वो आपका फिर से स्टार्ट होगा देखो गेट्स ऑफ ट्राइम दरवाज़ा खुल रहा है वो भी जीत का सक्सेस का कहीं ना कहीं पर अचीवमेंट का चाहे वो शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो स्मॉल हो लार्ज हो मीडियम स्केल में हो जैसे जैसे आपके प्रोफाइल के अनुसार भी हो बट वो आपके लिए तो दरवाज़ा मौका जो है आपको फिर से मिलेगा यूनिवर्स इन गाइड्स प्लीज गाइड करें दैट ऑल ऑफ ओवर सडन मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है जर्नी बाय मूनलाइट बिलीव इन मैजिक बहुत सारे लोग क्या है ना मैनिफेस्टेशन में विश्वास नहीं रखते हैं या अगर रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब नहीं होता है कुछ समय के लिए होता है फिर बंद हो जाता है मैजिक इज़ रियली वंडरफुल यू नो मैजिक डज नॉट कम ऑल ऑफ अ सडन मतलब ऐसा नहीं है ऑल ऑफ अ सडन इट्स लाइक दैट ना यू विल फील दैट येस मैजिक हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ओके सो कैसे आपको लगेगा कि कुछ समय पहले जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थे वो फेवर में होना शुरू हो जाएगा जो काम अटक गया था ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में आपके होंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो है फंस गया या आ नहीं रहा है या पता नहीं आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कुछ लोग जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या बिजनेस है आपका शिपमेंट कहाँ पे है आपको पता नहीं चल रहा है सामान नहीं आ रहा है आपका आने सामने वाले कस्टमर्स को क्या देंगे क्या प्रोवाइड करेंगे पेमेंट जो था वो ड्यू हो गया है कुछ लोगों ऐसा हो सकता है कि आपको पेमेंट मिलना था बट आपको मिला नहीं तो आप सामने वाले पार्टी को कैसे पेमेंट करोगे उसी तरह से बहुत कुछ होना गलत होना शुरू हो जाता है और एक बार एक गलत होना शुरू हो जाता है फिर वो फंस जाता है ठीक है वी ऑलवेज गेट टाक इन अ लूप फिर हम लूप में फंसते हैं ये काम होता नहीं फिर सेकेंड काम होता नहीं फिर थर्ड काम होता नहीं सो यू विल फील दैट येस नाउ थिंग्स विल बी सो मच बेटर देन एवर बिफोर एंड दैट इज़ कॉल्ड मैजिक मैजिक ऐसा नहीं है कि जादू ही छड़ी ऐसे ही नो 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 इट्स नॉट लाइक दैट वो सुपरस्टिशन यहाँ पे है नहीं

हमसे नहीं हो पाएगा हम स्लो हो जाते हैं ठीक है हम सो जाते हैं हमें ज़्यादा नींद आ जाती है ठीक है ऐसा नहीं है कि थकान की वजह से ना कि हमें ऐसे हमको नहीं करना से कि सुबह सुबह उठ के मूड खराब हो जाता है ये सब कुछ ये तामसिक है एंड देन यू विल बी सो मच गिविंग अटेंशन आप इतना अटेंशन देंगे आपका जो है एक स्टूडेंट तभी जाके सक्सेसफुल हो सकता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड या अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं जब कहीं ना कहीं पे उसका जो फोकस या अटेंशन है वो उसी तरह से है अर्जुन के लक्ष्य होना चाहिए सबके अंदर वो वही मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपका अटेंशन उसी चीज़ के ऊपर होगा जो आपको बिल्कुल चाहिए अननेसेसरी चीज़ जो आपका डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ तो अननेसरी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे आप अच्छे काम करने जा रहे हैं आपको लगा चलो अभी थोड़ा गेम्स खेल लेते हैं अभी थोड़ा गॉसिप करके आते हैं अभी थोड़ा ये देख लेते हैं वो मूवी देख लेते हैं हाँ एंटरटेन करो इट इज़ गुड फॉर योर रिफ्रेशमेंट बट यू गॉट इन डज कहीं ना कहीं पर आप पार्टीज हो जाता था आपसे ठीक है एक पार्टी आपने किया चलो अब फिर वीकेंड्स में पार्टी करते ये जो एक टॉक्सिक हैबिट्स जनरेट हुआ था आपका इट विल डेफिनेटली बी ओवर टेकिंग शेल्टर द आंसर्स आर विद इन जैसे हम क्या करते हैं हम लोगों से पूछते हैं तुम क्या मांग रहे हो तुम क्या कहना चाहते हो तुम क्या बोलना चाहते हो, हो सकता है कि आप किसी से पूछना चाहते थे लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे तो आंसर्स आर विद इन मतलब आपके खुद के जो आप थोड़ा बहुत अपने यू शुड क्लोज योर आईस इन साइलेंस एंड यू शुड आस्क द क्वेश्चन इन योर माइंड आपको आंसर मिल जाएगा वो इंसान क्या चाहते हैं आपको पता चल जाएगा जस्ट क्लोज योर आईज एंड आस्क दिस क्वेश्चन वट डज ही वॉन्ट वट डज शी वांट ठीक है अगर आपको इतना इंटूटिवली रीड करना नहीं आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन आपके माइंड में आपके सोल वो आंसर दे देगा सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स थोड़ा इस कार्ड से भी देख लेते हैं इस डेक से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ आपका इन्फ्लुएंशियल या फेमस पर्सन या कोई ऐसा कॉन्टेक्ट्स हाँ, वाले पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बनेगा जहाँ पे वो आपको जो है ना आपको पुश करेंगे टू अ हायर पर्सपेक्टिव इन लाइफ बहुत सारे सेलिब्रिटीज के पीछे यही कारण थे सिर्फ उनका हार्डवर्क ही नहीं था हार्डवर्क और फोकस ही नहीं था बट उनको गाइड करने के लिए उनको कहीं ना कहीं पे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ठीक है कोई ना कोई तो उनके पास रहा होगा प्लीज चाहे आपकी एज कुछ भी हो इट इज इट डज नॉट मैटर सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड डू हैव द पाथ फाइंडर द ड्रैगन यहाँ पे देखो

टेम्पटेड हो जाते हैं मोहित हो जाते हैं ओवरफ्लेम्ड हो जाते हैं कि वो अच्छाई के ऊपर बुराई का हावी हो जाता है सो so, ये सिचुएशन भी होगा ऑल ऑफ अ सडन नाव इट विल बी अप टू यू कि देखो पावर जब आ जाता है ना लोगों के अंदर तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसका अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं आपके पास पावर आएगा डिसीशन आपका होगा कि आप उसको किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहेंगे लेकिन आएगा तो ज़रूर वो पावर आपके पास मैंने आपको तभी बताया था जो आपका करंट पावर है उसमें भी आप पावर नहीं दिखा पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे आपको रोका जा रहा है आने वाले समय में आपको पावर दिया जाएगा आपकी मजबूती भी बढ़ेगा आप बहुत सारे लोगों के इकट्ठा भी कर पाएंगे आप एक ग्रुप बना पाएंगे विल बी अ ग्रुप लीडर नॉट ओनली अ टीम लीडर विल बी अ ग्रुप लीडर ओके नाउ इट विल बी अप टू यू आफ्टरवर्ड्स इट विल बी अप टू यू कि हाउ विल यू यूज दिस पावर टू हेल्प पीपल और टू हेल्प यू योर सेल्फ ओनली सिर्फ अपने लिए करना है या लोगों के लिए करना है यहाँ पे भी है पर्सनल पावर रिन्यूअल डेथ एंड रिबर्थ यहाँ पे भी है थर्टीन नंबर सो आई कैन सी दैट ऑल ऑफ अ सडन आपका एक अचानक से एक बदलाव जो है सिर्फ आपको नज़र में नहीं आएगा बहुत सारे लोगों के अंदर नज़र में आएगा यहाँ पे आपका जो है बहुत कॉन्स्टेंटली जो आप जी फील ही कर रहे थे आपका तामसिक गुण से यहाँ पे राजसिक गुण में परिवर्तन हो रहा है एंड वहाँ से फिर से एक सात्विक गुण दैट इज अ फेयरि रियल तो आप देख रहे हो, हो आपका स्पिरिचुअल लेवल में भी आपका ऑफ अ सडन प्रोग्रेस हो रहा है एंड नेचर मदर नेचर इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आ लॉट ओके सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन रीबर्थ क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन so so kaype, you are going to enjoy the magic of the mother nature so this is all about today's reading guys i hope you like it and if you like please do share and subscribe thank you so much guys